दोस्तों, मैं डॉक्टर नासिर खान आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग और सभी लोग कंडोम का इस्तेमाल करते हैं। कंडोम एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, एज ए डॉक्टर आपको सलाह दूंगा कि इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बेझिझक होके। मेरे पास इतने सारे हैं, मूड्स है, मैनफोर्स है और डॉटेड कंडोम, और उसके साथ साथ कोबरा। तो ये बने कैसे होते हैं, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बने होने के लिए एक कॉन्डोम जो है वो शीट का बना हुआ होता है, लेटेक्स शीट कहते हैं उसे, और वो कई तरह की होती है। एक हल्की होती है, एक मजबूत होती है। जो हल्की होती है वो सस्ते कॉन्डोम होते हैं, जो मजबूत होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो ज़रा महंगे होते हैं और उनमें क्वालिटी अलग अलग आती है, और आजकल तो फ्लेवर के हिसाब से भी आता है। तो इनका मकसद क्या है बनाने का और क्यों इनका इस्तेमाल किया जाए? और इसके साथ साथ दोस्तों, मैं लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा आपको, वो बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। वीडियो को पूरा देखते रहें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो ये इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सबसे पहले ये तो ये है आपको बताना कि ये इस्तेमाल जो है करने के लिए कई बार जो है बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एसटीडी, जिसमें गोनोरिया है, सिफिलिस है और बहुत सारी चीज़ें, या यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कई बार स्किन इन्फेक्शन होते हैं जो पेनिस पर होते हैं, लिंग पर होते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का भी इस्तेमाल है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स इसलिए मैंने इस्तेमाल किया वर्ड कि ये भी एक जो है गोली की तरह ही है, अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको जो है जो प्रेगनेंसी है वो आ सकती है। क्योंकि जब आप पूरे मूड में होंगे, जब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कंसीव कर जाएगा। जब कंसीव कर जाएगा तो आपके लिए दिक्कत है, तो उस दिक्कत को बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्वालिटी जो है, जो मैंने बताई कि उसका कई तरह की क्वालिटी होती है, अब इसमें भी एक डॉटेड होते हैं जिनमें डॉट बने हुए होते हैं, छोटे छोटे उभार होते हैं डॉट टाइप के, लेकिन उनकी सलाह मैं नहीं दूंगा डॉटेड कॉन्डोम की, क्योंकि उससे कई बार रप्चर हो जाती है वजाइना, जो योनी होती है वो रप्चर भी हो जाती है, क्योंकि योनी का जो है जो स्ट्रक्चर है वो उस तरह के सॉफ्ट सेल्स, टिश्यूज और मसल्स की बनी हुई होती है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उस पर आप जो है डॉटेड कॉन्डोम का इस्तेमाल करके रगड़ेंगे तो उससे जो है रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं और आपके लाइफ पार्टनर को नेक्स्ट डे या उसी दिन आपको परेशानी महसूस होगी। तो ये तो रहा डॉटेड के बारे में, तो डॉटेड का इस्तेमाल कम से कम करें बेहतर है। अब ये कॉन्डोम इस्तेमाल करने के लिए जो है कॉन्डोम का एक एक्सपायरी डेट भी होती है हर एक पर, जैसे मेरे हाथ में जो है ये 2024 तक का है, और ये देखिएगा इस पर ये पड़ी, ये यहाँ डेट होती है। हर एक आदमी को ये खरीदने से पहले जो है डेट देख लेनी चाहिए, और इसका इस्तेमाल करते हुए ये कभी भी जो है पीछे वाली जेब में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को मेनटेन करना चाहिए। इसके अंदर एक लुब्रिकेंट होता है लगा हुआ, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो वो आपकी स्किन को परेशान कर सकता है, स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है, स्किन डिजीज पैदा कर सकता है। तो इसके अंदर का जो लुब्रिकेंट होता है उसका इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, इसे चढ़ाना भी बहुत सावधानी पूर्वक चाहिए, कहीं से रप्चर ना हो जाए। आपके जो है शेविंग हुई भी होनी चाहिए, आपके जो बाल हैं वो शेविंग के साथ होने चाहिए, कई बार बालों से भी ये परेशानी हो जाती है। उसके साथ साथ अब मैं जो लास्ट चीज बताने जा रहा हूँ, इसे मैंने खोल दिया है, एक कॉन्डोम खोलूंगा मैं, ये
ये देखिएगा इस तरह के पैकिंग में आती है ये। तो इसके जो सर्किल होता है, लास्ट वाला पॉइंट होता है, वो एक रिंग की तरह से होता है जो आपके पेनिस के लास्ट में पहुंच जाता है, और वो आपके इतना टाइट होता है कि वो यहाँ से ब्लड सप्लाई को रोक देता है। अगर यहाँ ये रिंग टाइप की कहलाती है, जिनका दिक्कत होती है प्री मैच्योर इजेकुलेशंस की, उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये रिंग जो है। मैं ये बताना चाहता था लास्ट पॉइंट में कि ये रिंग जो होता है पेनिस, वो उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि वो ब्लड सप्लाई को जरा सा रोकता है और फ्लो को सही करता है, उसके अंदर जो है स्टेमिना बना के रखता है। इसके ये बहुत फायदे हैं। उसके साथ साथ कभी भी जो है इसका इस्तेमाल करने के बाद जो है आप फ्लश ना करें, क्योंकि ये उस चीज का बना हुआ होता है कि जल्दी से जाकर खराब नहीं होता, बहुत सालों तक पड़ा रहेगा, और ये आपके सीवेजिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान देता है, इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान देता है। तो इसे कभी भी जो है फ्लश ना करें। इसे लेकर जब आपका डिस्चार्ज हो जाए तो इसे जो है ना नॉट करके बांध कर डस्टबिन में डालें, कभी भी फ्लश ना करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो फ्लश कर देते हैं, फ्लश नहीं करना चाहिए। ये आगे चल के आपके जो है ना इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, आपकी सीवेजिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, आपके बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, बिल्डिंगें कोलैप्स कर जाती हैं इसकी वजह से। तो ये बहुत तरह के मैंने बताए आपको कि इस तरह की ये दिक्कतें आती है कॉन्डम का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों, और इनको बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए कंडोम का इस्तेमाल करते हुए। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इसे खरीदने की, बहुत सारे जो है इसे खरीदने में ये सोचते हैं कैसे बात करूंगा, क्या करूंगा, कैसे लूंगा। जाकर आप मांगिएगा, आप अपने मेडिकल नियर बाई मेडिकल स्टोर पर जाइएगा और वहां कहिएगा कि मुझे कंडोम चाहिए और अच्छी क्वालिटी का चाहिए। ये जरूर वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का चाहिए। अच्छी क्वालिटी के जो कंडोम होते हैं वो जरा महंगे होते हैं, 200 का भी आएगा, 300 का भी आएगा, पूरा पैकेट आएगा, ये 30-40 रुपए के भी पैकेट आते हैं। तो क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी में है लुब्रिकेंट होता है, जो लुब्रिकेंट होता है वो स्किन को जो है किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। मैंने जो बताया सबसे अहम चीज उनके उसकी जो है एक्सपायरी डेट जरूर देखनी चाहिए, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। उसके साथ साथ इसे जो है जब भी आप इस्तेमाल करें, देख लें कि ये रप्चर ना हो गया, फट ना गया, क्योंकि फटने से आप कंसीव कर सकते हैं। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी देनी थी आपको, खासतौर पर रिंग के बारे में। वो जनरली किसी भी वीडियो में आपको नहीं बताया जाता है कि रिंग, एक जो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं वो बताते हैं इस चीज़ को, या हम लोग बताते हैं हम इस चीज़ का इलाज करते हैं। कभी आप हमारी क्लिनिक पर भी विजिट कर सकते हैं, अगर पूछना चाहें तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। और किसी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं गुप्त रोग संबंधी तो आप ले सकते हैं, बेझिझक होकर फोन कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, और इसी तरह से अपना प्यार जो है चैनल पर बना के रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे देशों में ये देखा जा रहा है चैनल, खासतौर पर हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, यूके है, कनाडा है, इन सब देशों में देखा जा रहा है। तो ये जानकारी जो है हम एजुकेट करते हैं आपको कि भी इस चीज़ का इस्तेमाल ऐसे करें, इस चीज़ का इस्तेमाल ये ना करें, और कभी कंडोम फट जाए तो उसके बाद में जो है आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जरूर लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि कई बार वहां से जो है सीमेन जाकर वो अपना काम कर देता है। जय हिंद।